जॉब भी है, चल रही है चल रही है, क्योंकि 2 महीने से तो घर पर ही हूँ, जॉब भी कहाँ गया हूँ जॉब पे भी, तो पता नहीं सैलरी आएगी नहीं आएगी, तो अब थोड़ा रुक जा वेट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। देख मैं केवल गिव अप नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है और थोड़ी प्रॉब्लम है, बात को समझ। Hey guys, अमित आ गया है फाइनली, और मतलब मेरे को ये था कि एक गुड न्यूज, मतलब वो होती है ना खुशी, मतलब वो खुशी आप लोग भी देखो मेरी कि मैं कितना खुश हूँ। अब वो बताएगा कि क्या डेट दी है, कब शादी के लिए बोला है, तो आ गया है वो रहा, देखो आ गया। तो गाइज मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ कि कैसे और क्या और कब कब होगा और मतलब क्या बोलेगा वो। आ रहा है एक तो ऐसे सैड सा मुँह बना के आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो बेबी पार्टी अमित क्या हुआ? कुछ नहीं। तो बताओ ना क्या बोला, कब कर रहे हैं हम शादी? चलो यहाँ से बाद में। क्या हो गया? कुछ नहीं बोल रहा। चलो यहाँ से बाद में। किसी ने कुछ कहा था तुमको? मेरे घर से कॉल आई तो तेरा मुंह क्यों बन गया एकदम? गाइस ये मुझे पक्का प्रैंक कर रहा है ये, अभी मेरे को एकदम से ऐसे गुड न्यूज़ देगा। बंद कर कैमरा, ऐसे रूडली क्यों बोल रहे हैं मुझसे? बंद करना कैमरा, सुनाई नहीं आ रहा एक बार की? मुझे नहीं पता इससे क्या हो गया है, देखती हूँ मैं, पूछती हूँ मैं आपको, बाद में बताऊंगी। A few moments later. Guys, मुझे नहीं पता इसको क्या हो गया, आया जब से मुंह बना रहा है, 1 घंटा हो चुका है, मैं इससे पूछ जा रही हूँ क्या हो गया क्या हो गया, मुझे तो बता नहीं रहा, खुद का मूड खराब है, मेरा भी कर चुका, और मैं आज बोल चुकी हूँ मैं अपने घर नहीं जा रही, ठीक है, मैं अपनी बुआ को भी बोल चुकी हूँ मैं आज अपने घर रुक रही हूँ, मैं इसी के पास रुक रही हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ पे रखेगा, इसको शांति से बोल दो ये मुझे सच बता दे, वरना फिर मैं बात नहीं करूँगी, मुझे बता रहे सच के लिए बता रहा। कोई बात नहीं घर जा, मैं जाऊँगी तो घर में है सो जाऊँगी पार्क में, मैं बुआ को अभी फ़ोन करके बोल चुकी हूँ कि सामने मैंने फ़ोन करके बोला कि मैं अपने घर ही रुक रही हूँ और मेरे को फ़ोन वोन मत करना, और घर की चाबी मैंने अपने पास रख लिया है ताकि अगर बुआ ये भी बोले ना कि पापा मैं घर पर हैं तो बोल दूँ मैं घर पर रुकी थी। जैसे तो ठीक लगे वैसा कर ले, ठीक है ना, अब जा घर। तू अंदर गया, अच्छा खासा गया था, बाहर आया तो मुँह सड़ा के बाहर आया है, और उसके बाद से मुझसे इतनी रूडली बात कर रहा है, सिर्फ मैं कुछ हुई ही नहीं इसके लिए, क्यों नहीं कर सकता तू तो शादी मुझसे? यार नहीं हो सकता शादी, शादी भी टाइम लगेगा। क्या टाइम लगेगा मुझे बताना, क्या रीज़न है, एक मुझे रीज़न बता दे, मैं पिछले 1 घंटे से रीज़न पूछ रही हूँ, बट इसके पास कोई रीज़न नहीं है कि मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकता, और क्यों नहीं कर सकता मुझे नहीं पता क्यों नहीं है। अरे थोड़ा टाइम लगेगा अभी, देखो यार ऐसे तुम मानी करनी है, मैं से अपने तरीके से पूछती हूँ तुझे, मेरी कसम से सच बता क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ है ऐसा यार, अभी मैं तुझे चैनल की कसम है, तो तेरे फैंस की कसम, सबकी कसम है, फिर को जल्दी बता यार, वो पैसे बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। कितने बता रहे हैं? इतने बता रहे हैं, इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता अभी। कितने मांग लिए मुझसे? ले ले कितने मांग लिए? करोड़ रुपए मांग लिए? करोड़ नहीं मांगे हैं, लेकिन यार अभी कोरोना की वजह से तो एडवोकेट बहुत कमा रहे हैं, और जो एक यूट्यूब पे हमारा फैन था उसने बस बताया था, तो वो जानने वाला आया नहीं है उसका, क्योंकि बहुत कमा रहे हैं, एक दो एडवोकेट बैठ रहे हैं, तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, और अभी तुझे पता ही है पैसों के लिए कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम कितनी ख़राब है यार, जब से लॉकडाउन लगा है और ये कोरोना आया है, यूट्यूब से भी इनकम नहीं आ रही है, तीन बार पिन अप्लाई कर चुका हूँ, जो पिन आता है जो आईडेंटी होती है ना, वो एड्रेस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है उसका 3 बार पिन अप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन कोरोना की वजह से वो पिन आ नहीं पा रहा है, और जब तक पिन आएगा जो यूट्यूब से इनकम है वो भी निकल पा रही है, और जॉब का यार जॉब भी है चल रही है चल रही है, क्योंकि 2 महीने से तो घर पर ही हूँ, जॉब भी कहाँ गया हूँ जॉब पर भी, तो पता नहीं सैलरी आएगी नहीं आएगी, तो अब थोड़ा रुक जा वेट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, देख मैं केवल गिव अप नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है और थोड़ी प्रॉब्लम है, बात को समझ। नहीं तू ऐसे मत कर, ऐसे मुँह मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इसे कहते हैं नज़र लग जाना। कोई नहीं, तू बुआ के यहाँ पर है, आज जाऊँगे मैं बुआ के घर, अब जो भी होगा ना, ऐसा है कि मैं अब गई हूँ बहुत ज़्यादा किलस, ठीक है, अब जिस इस जब इन सब की जिसने शुरुआत की है ना, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं इतने दिन से सोच रही थी चल माली ने जो भी किया अच्छा किया, अच्छा किया घर पे बता दिया, अच्छा किया कि एटलीस्ट हम साथ में हैं, मुझे इतना पता चल गया, लेकिन अब जो हो रहा है अब बर्दाश्त से बाहर है, अब कल माली गई, मैं उसको बुला के ना यहाँ पे कैसे भी अपनी फ्रेंड से बोल के
इसको तो मैं बताऊंगी, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है बिकॉज मेरी लाइफ ना बर्बाद कर दिया उस बंदी ने। सच बता रही हूँ, मैं इतनी खुश थी ना, मेरे साथ इतनी खुश थी, वो सब उसकी वजह से हुआ है। तो होते ना एक लड़कियाँ होती हैं, कैसे बताऊँ मैं, डाइन बिल्कुल बिल्कुल खुशी नहीं रह सकती देख के। मतलब लड़कियों की लड़की की दुश्मन ना मैंने पहली बार देखी है, और मैं बता रही हूँ मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कोई बात नहीं यार, ठीक है, हम वेट कर लेंगे। यार सच में यार, ये सब बोलते हैं ना कि मतलब इतना शोक मत करो, इतना अपने प्यार को इतना पब्लिक मत करो, वो आप सही है यार, नज़र लग जाती है, नज़र लग गई किसी से। सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं इसकी फ्रेंड को क्या जरूरत पड़ी बताने की, सब कुछ बता दिया इसकी फ्रेंड ने। कसम से वो ना वो लड़की है, अगर वो लड़का होती ना तो कसम से मैं ना यार बहुत मारता, बहुत मारता उसे, चाहे अपने मन की बड़ा अपने मन की बड़ा निकाल लेता, चाहे मैं पिट जाता, लेकिन वो लड़की है मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकता। और फिर इसकी फ्रेंड है वो, पता नहीं कैसी कैसी फ्रेंड बना रखी है इसने यार। वो ऐसी नहीं थी पहले, वो अब ऐसी हुई है। फिलहाल ये वाली वीडियो तो आज मत डालियो, वरना वो कल आएगी नहीं, ये इसे कल ही डाल दियो, कल ही उससे बात करती हूँ मैं। ये बहुत हो गया यार, एक होता है ना किसी की ज़िंदगी पर बात कर देना, उस बंदी ने वो किया है, तो अब मैं उसको छोड़ूंगी तो नहीं। मैं जितने से सोच रही थी चल ओके, जितने से मैं सोच रही थी इट्स ओके, बट अब नहीं, अब छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। चलो कुछ खिलाओ तेरे को, कुछ खाने पीने को नहीं है। इसे तब से एक ग्लास पानी तक नहीं पिया है, इवन हम सुबह से कुछ खा पी के नहीं निकले थे घर से, ना इसने भी ब्रेकफास्ट तक नहीं किया था, और अब भी हमने मतलब कुछ भी नहीं खाया पिया, और ना ही जा रहा है कहीं, पता नहीं क्या ही होगा। चलो मैं इसको बना लेती हूँ, बाद में मिलते हैं। यार कैसे खाऊं बताओ यार, ऐसे सिचुएशन में खाने पीने का मन करता है। आप लोग सब देख रहे हो, आप लोग मुझे सब अपनी हेल्थ है, तो ये तो वेल्थ है। आप लोग सब मुझे अपनी अपनी स्टोरी बता दे भाई, मेरी भी गर्लफ्रेंड थी, लड़कियाँ के मैसेज आते हैं, मेरा भी बॉयफ्रेंड था। बताओ ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको लगेगा कि हमारा प्यार छूट रहा है, या फिर हम साथ नहीं रह सकते, शादी नहीं हो सकती, तो कोई बात नहीं, हम साथ साथ हैं, आई लव यू, आई लव यू टू। तो मतलब ऐसी सिचुएशन में कैसे भूख लगती है, भूख लगती है, खा सकते हैं कभी यार इसको? मैं खिला के ही रहूँगी अब, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको मनाती हूँ। और आप लोग ना वीडियो को अगर देख कल ही डलेगी अब, तो कल देख के मेरे को बताना, मैं मालिनी को बुलाऊँ या ना बुलाऊँ, और ऐसी ऐसी प्यार करते रहना। और नहीं यार मालिनी को क्या, मालिनी उसको तो मैं बुलाऊँगी, तू रहने दे, ये नहीं बुलाएगा, मैं खुद अकेले जाऊँगी, उसको तो एक्सपोज करूँगी मैं साफ साफ। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। और यार कोई यार कैसे बोलूँ यार, इनको मुझे बोलते हुए ना मतलब अजीब लग रहा है बोलते हुए, मतलब यार कोई आपका कोई देख लो यार, कोई हो आपका वकील हो, एडवोकेट हो, या फिर कोई LLB कर रखी हो उसने, कोई हो मतलब करवा दे यार, मतलब थोड़ा कम बजट में करवा दे, थोड़ा मतलब मेरे गाइड हेल्प कर दो, मेरे बजट के अंदर हो कोई करवा दे तो आपका एहसान होगा बहुत। वैसे भी आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, वीडियो को मतलब सब्सक्राइब भी कर रहे हो, मैं बोलता हूँ ना, मैं यही बोलता हूँ हर बार भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ भाई, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर ले करो, क्योंकि मैं जैसी वीडियो डालूंगा तो आपके पास पहुँच जाएगी। और सब्सक्राइब करने के लिए इसे बोलता हूँ कि यार आप ना वीडियो बहुत सारे लोग देखते हो, कम से कम 10-20 हज़ार लोग देख लेते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सारे लोग सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो इतने सारे लोग मेरे से जुड़ जाएंगे, वो तो कुछ और भी लोग हैं, तो हो सकता है वो मुझे सपोर्ट करें हर तरीके से, हो सकता है उनकी जान पहचान अच्छी हो, कि यार YouTube पे दुनिया देखती है, दुनिया वीडियो देखती है, और हर एक तरीके के बंदे हैं। जैसे हमें कमेंट आते हैं, इतना अच्छा लगता है, कोई कह रहा है भाई UP आ जाओ, राजस्थान से मैसेज आता है, वो कह रहा भाई राजस्थान आ जाओ, मेरा एक रूम मांगा, नेपाल से, उत्तराखंड से, और कहाँ कहाँ से मैसेजेस आते हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं यार, पाकिस्तान से आ रहे हैं यार। पाकिस्तान वालों को प्यार देख के अच्छा लगा, देखो पाकिस्तान तो जा नहीं सकता मैं, लेकिन वहाँ का प्यार देख के अच्छा लगा। और बांग्लादेश का भी यही सीन है, बांग्लादेश से बुलाते हैं लोग, इतनी वीडियो देखते हैं, इतना मतलब कहते हैं भाई नाइस कपल, और इतने अच्छे कपल, और दोनों साथ में इतने अच्छे लगते हैं, और दोनों की अंडर मोस्टली UP से आते हैं, बुलंदशहर हो गया और कानपुर, हाँ की जगह से। और भाई दोनों मतलब कमेंट करके ऐसे बोलते हैं कि भाई हमने और भी वीडियो देखी है, और भी कपल वाली वीडियो देखी, लेकिन आप दोनों कपल बहुत क्यूट हो, बहुत क्यूट हो, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी भाई। एक सारी बात कुल मिला के बात, एक तो ये भी है कि जो YouTube पे और भी प्रैंगस्टर हैं, मतलब जो वीडियो बनाते हैं, देखो मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, ना मैं किसी को हर्ट करना चाहता, लेकिन हाँ एक बात है, थोड़ा ना होता ना लेवल, मतलब थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड,
और तो हम दोनों एजुकेशन है, दोनों ये भी अच्छी खासी पढ़े एजुकेटेड है, एजुकेटेड हैं। बस ये थोड़ा इसमें इस लाइन में हम इसलिए आ गए क्योंकि यार एक होता ना, एक बंदे को इंटरेस्ट होता है, एक पैसन होता है। मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, मैं अपनी जॉब छोड़ के मतलब वो जॉब में मुझे फ्रीडम थी, मुझे पसंद थी, लेकिन घर वालों से कर ली कि घर वालों को ये था कि इंजीनियर बन जाए, तो मैंने उनके मुताबिक पढ़ाई भी कर ली और इंजीनियर बन भी गया और जॉब भी करी, लेकिन छोड़ दिया। तो अब सब कुछ छोड़ता है, लेकिन मेरा पैसा ना जो मैं कर रहा हूँ, मुझे आगे बहुत कुछ करना है इसी लाइन में। ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे एक फेम मिल जाए, लोग मुझे जान जाएँ, और आप लोग मुझे जान भी रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है इतने लोग मुझे जान रहे हो और कमेंट करते हो। और ये भी भाई मैं बेसिकली मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स पूरा कर चुकी हूँ VLCC से भी और दीवा से भी कर रखा है मैंने, प्रो HD सारे मेकअप कोर्स कर रखे हैं, उसके बाद में ये कर रही हूँ। बिकॉज होता है ना, ड्रीम्स पहले हैं, पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट है पर ड्रीम्स भी इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब हम बिल्कुल गए गुजरे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, हम पे कोई और काम नहीं कर सकते, हम उस लायक नहीं था कि हम कोई और काम कर सकें, इसलिए यूट्यूब पे हैं। भाई ऐसा नहीं है, यूट्यूब अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब ने भाई बहुत लोगों के सपने पूरे करे हैं और हमारे भी सपने पूरे करे, ऐसे हम इसीलिए यूट्यूब पे आए। बाकी इसीलिए आप लोग प्यार देते हो, मुझे पता है, इसलिए आप लोग बोलते हो कि भाई आपकी दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आप लोग समझते भी हो। और हमें पता है यार, हमारी दोनों की थिंकिंग ना 80% मैच होती है, क्योंकि हम दोनों का ओपिनियन सेम है, पसंद भी बहुत सेम है हर चीज़ में, खाने पीने से लेके पहनने तक। हाँ चलो, अभी इसका मूड ठीक हो गया, अब इसको कुछ खिला पिला के आती हूँ। बाय गाइज, लव यू, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, इसका मूड ठीक करते हैं। बाय।